ଏବେ ଭଗବାନ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ବାଇଶ ତାରିଖ রামলা প্রাণ প্রত্যাশা হব কিন্তু আপনার জাঁড় রক্ষা আবশ্যক যে রামলা প্রাণ প্রতিষ্ঠা দিন কণ কণ সেদিন কার্যক্রম রয়েছে আমি অযোধ্যার এমিতি এক ব্যক্তিঙ্ পাখে পচিছি যখন পাখি তিন পিড়ি অর্থাৎ তিনটা জেনেসন পর্যন্ত সে রামলা যে কপড়া রয়েছে যে পোশাক রামলা পিধবে তা প্রস্তুত করছেন আমার শ্রীবাস্তবরে যে জনা যাতে তাপরে তাঁর পুয়া কুয়া যাই শঙ্করলাল শ্রীবাস্তবজি ସିଏ ବି ବନାଉଛନ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କପଡ଼ା ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଖବର ଯେ କପଡ଼ା କେଉଁଠୁ ଯିବ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଏକଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦେଖାଉଛୁ ଚିତ୍ର ଏଇଠୁ ହିଁ କପଡ଼ା ବନାଯିବ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କପଡ଼ା ଏଇଠୁ ବନାଯିବ ଏଇଠୁ ହିଁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସିଲେଇ କରିବାର ଯେଉଁ ତରିକା ରହିଛି ସିଲେଇ କରିବାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତରିକା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଏ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ସାର୍ अभी दस बारह दिन अपेक्षा रहेगी सब लोगों को आप तीन जनरेशन से ये कपड़ा सिलाने की काम करें कितना आपको लगता है एक तो हम पैदा हुए और अयोध्या साथ साथ जी की सेवा मिली अब इससे बढ़ के हम और क्या कहें कितने साल से आप ये कर रहे हैं वैसे तो हमको राम जी राम लला का काम करते हुए उन्नीस सौ पचासी में तत्कालिकारी लाल जी थे उनके माध्यम से श्री पिताजी बाबूलाल जी और भगवत साहद पहाड़ी हमशंकर लाल ये तीनों आदमी वहाँ जाते थे हमारी एक बड़ी मशीन और एक मशीन वही गुम्मत के जो गुम्मत के नीचे रखी जाती थी और बड़े भाई साहब भगवत साहब पहाड़ी और हमशंकर लाल दोनों आदमी मशीन पर बैठकर चलते रहे और पिताजी अमनिया करते रहे ये कर्म मानवे तक चला ढांचा गिरा उसके बाद प्रभु हमारे गुम्मत से टाट में आ गए और फिर यहाँ मशीन हमारी अब यहीं यहीं रहती है यहीं से पुजारी जी के माध्यम से पोशाक आता है और पोशाक बना करके हम पुजारी जी को देते हैं और ठाकुर जी धारण करते हैं और यानी जब हमारे श्री महाराज जी श्री जो आदित्यनाथ श्री जोगी जी महाराज जी हमारे हैं मुख्यमंत्री जी इनके आने के बाद तब वैकल्पिक मंदिर तैयार हुआ यानी प्रभु हमारे ठाठ से ठाट में आ गए और प्रधानमंत्री जी के द्वारा 22 तारीख को स्थापना होगा उनके कमलो द्वारा स्थापना किया जाएगा रामला का और फिर तो अयोध्या कहना ही क्या है खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है आप कितना खुशी अभी समेट रहे हैं क्योंकि आपकी हाथों से जो कपड़ा बनेगा वो रामलाला पहनेंगे ये तो आपकी जनरेशन वाइज कर रहे हैं लेकिन अभी जो भव्य मंदिर में रामलाला बैठेंगे विराजेंगे वहाँ पर आप बनाएंगे किस कलर की बनाएंगे ये लोग जानना चाहते हैं क्या नाप मिल गई है तो, सरकार में जो बड़े सरकार जो हमारे तैयार किए गए हैं वो इस साइज का इस साइज का कपड़ा होगा जो इक्यावन इंच की मूर्ति जो तैयार हुई है वो रामलला की पाँच वर्ष की वो पाँच वर्ष के बालक के रूप में उनका भव्य स्वरूप बनाया गया है और यही ठाकुर जी हमारे रामलला जी पीला वस्त्र धारण करेंगे वैसे दिन के हिसाब से बाईस तारीख को सफेद सफेद होता है तो सोमवार दिन पड़ रहा है तो उस दिन सफ़ेद हमारे प्रभु धारण करते हैं जैसे हर कलर हर दिन का अलग अलग कलर है सोमवार को सफ़ेद धारण करते, करते हैं प्रभु हमारे मंगलवार को लाल कपड़ा धारण करते हैं बुधवार को हरा धारण करते, करते, करते हैं और शुक्र गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को पीला धारण करते हैं शुक्रवार को क्रीम अथवा सफ़ेद धारण करते हैं शनिवार को ठाकुर जी नीला धारण करते हैं और रविवार को गुलाबी धारण करते हैं यानी सात दिन का सात कलर का पोशाक हमारे यहाँ ठाकुर जी का बनता है और कर्मता डेली पहनते रहते हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट वाले हैं, उनसे आपका क्या बातचीत हो गई है कितने दिन तक आप ये काम करेंगे और कभी कब कभ उनको ये हैंड आप करेंगे ये कपड़ा जैसे हमारे भाई साहब को बुलाया गया नापने के लिए नाप हो गया है अब क्या वहाँ डिस्कस वहाँ तीर्थ तीर्थ में अप, आपस में क्या अभी हुआ ये हम लोग को भी मालूम नहीं है लेकिन कपड़ा तो हमारे यहाँ बनता है और हमारे यहाँ ही बनेगा सन पचासी से हम लोग कार्यरत हैं पिताजी तो चले गए स्वर्ग धाम को चौरानवे में चौरानवे के बाद हम दोनों भाई ही कार्यरत हैं तो आज तक तो ठाकुर जी हमारे ही हाथ का पहने हैं तो आगे भी हमारे ही हाथ का ठाकुर जी पहनेंगे कितनी बड़ी सौभाग्य आपको लगता है क्योंकि जब प्रमोद नगर की गली की लोग आते हैं तो आपसे यहाँ पे गुजर कर जब जाते हैं तो आपके यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कैसे कपड़ा सिला जाता है प्रभु के लिए तो वो कैसा गर्व महसूस होता है तो हमें तो बहुत बड़ा गर्व महसूस एक तो राम लला कि इंटरनेशनल हमारे ठाकुर जी हैं और इंटरनेशनल मंदिर भी तैयार हो चुका है इतना भव्य विशाल मंदिर तैयार किया अयोध्या में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जैसा हमारे राम का मंदिर तैयार हुआ है ऐसा इस वक्त हमारे अयोध्या के अंदर मंदिर नहीं है अब तो जब हमारे ठाकुर जी 22 तारीख को वहाँ गर्भगृह में विराजमान होंगे तब कि अयोध्या की भव्यता क्या देखी जाए इस समय तो हमारी सरकार द्वारा या यहाँ के अन्य संस्था के द्वारा जैसे दुल्हन की तरह अयोध्या सजाई जाती है उस प्रकार सजाया जाता है जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी चौदह वर्ष वनवास से जब लौट के आए थे तो अयोध्या वासी उस दिन दीपावली मनाए थे तो जिस दिन हमारे ठाकुर जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा बाईस तारीख को उस दिन हमारे यहाँ अयोध्या में भव्य दीपावली मनाई जाएगी पहले भी आप बना रहे थे कपड़ा पहले भी आप तीन तीन जनरेशन आप बना चुके हैं अब भी जो बनेगा उसके लिए प्रेशर क्या थोड़ा दिमाग में यह है थोड़ा बारीकी से करूंग, और कुछ ऐसा भूल भूल भाल ना हो जाए, भटका ना हो हो जाए जाए भटका जैसे अभी हमारे ये प्रधानमंत्री जी आए थे भूमि पूजन किए थे उस समय दो वस्तु तैयार हुआ था एक हरा तैयार हुआ था और एक भगवा रंग का वो भी आप बनाए जी हाँ भगवा रंग का तैयार जो हरा रंग का तैयार तो दिन के हिसाब से हरा था और वैसे भगवा रंग का वैसे बनाया गया था लेकिन हरा जो बना था उसमें नौ रतन जला गया था और अगर संस्था न्यास वाले हमको अगर हीरा जवाहरात पन्ना पोखरा अगर देते हैं तो वो भी हम ठाकुर जी के पोशाक में उसको अपने हाथों से जड़ेंगे कि जिससे देख, देखने के बाद ठाकुर सब सब मान हो जाए वैसे तो वैसे स्वाभामान है लेकिन जब ठाकुर जी वस्त्र बने तो और ही दिव्य दे स्वरूप उनका दिखाई दे हम लोग तो यही चाहेंगे ये कपड़े में क्या क्या कुछ जरी यहाँ पे कहाँ से खरीदा जाता है ये कपड़ा की आ, आप ही ये चूज करते है जैसे तो सूरत से आता है सूरत से ये देखिए मखमल है ये ये मखमल है ये ठंडी के लिए है और आम दिनों के लिए ब्रोकेट है सूती है भगवान के लिए भी ठंडी और गर्मी ये सब वस्त्र भी ये है।, है ये हमारे ठाकुर जी के देखिए ये मखमल है ये गर्मी में नहीं पहना जाता इसको ठंडी में पहना जाता है और ठंडी गर्मी में ये ब्रोकेट कपड़ा है या अन्य सूती कपड़ा है ब्रोकेट में देखिए कई कई वरायटियाँ आते हैं ये लाल है ये हरा है ये पीला है मतलब तो ऐसे तो सातों रंग में आते हैं तो हर वरायटी का हर रंग का तो आता है तो दिन के हिसाब से ठाकुर जी गर्मी हमारे ये सब कपड़ा पहनते हैं और ठंडी में हमारे प्रभु मखमल का कपड़ा पहनते हैं इसमें भी सात रंग का सात कलर का आता है मखमल में भी वो ठाकुर जी को हम मनाते हैं जैसे अगर हमें तीन से चार दिन का अगर मौका मिल जाता है तो हम पूरा परिवार मिल करके और ठाकुर जी का पोशाक बना के तैयार कर देंगे तो डिसाइड नहीं हुआ है कब तो बात उन्हें यह मालूम है हाँ। क्योंकि आज आज से नहीं उन्हें आज से नहीं पोषण पचासी से लोग दान रहे हैं कि लोग कार्यरत अगर मौका इनको अगर अड़तालीस घंटे का अगर मिल गया तो ये बना करके तैयार कर देंगे तो इनको तो विश्वास है कि हम जब देंगे तैयार करेंगे और हम तैयार जब उनके लिए हम पैदा हुए तो तैयार हम इसके लिए करेंगे की भव्य मंदिर अब बन गया है आपको लग रहा है कि अभी जो जीवन साल आपका है तब तक आप करेंगे या फिर कुछ और भी बिजनेस शुरू करने की आप चिंता कर रहे हैं हैं जैसे देखिए हमारे छह छह लड़की लड़की एक लड़का है हम तो कक्षा पाँच पढ़े हैं लेकिन लड़का हमारा इसमें हाई स्कूल में है और हाई स्कूल ही पढ़ा करके हम बंद कर देंगे इसके आगे हमें डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना है ये सबसे बड़ा तो ठाकुर जी की सेवा है जैसे हमारी परंपरा ठाकुर जी की चलती आ रहे पोशाक बनाते हम लोग चले आ रहे हैं ऐसे आने आगे भी हमारा बच्चा बनाएगा उसके भी उसका बच्चा बनाएगा यानी हमारी परंपरा चलती रहेगी और ऐसे चलता ही रहे बहुत बहुत धन्यवाद आप इतने वक्त हमारे साथ रहे और इतने आलोचना भगवान जी के जी राम मंदिर भव्य रिर इतिर जो संकल्प रहेछ विभिन्न समय विभिन्न सङ्गठन गरिक्सक्लुसिभ चित्म देखाउव्यम मन्दिर रामलाला विराजेस कोी केमि जो केही रङ्ग हे खास गरिक धा से दिन पिन्धे रामलाला वस्त्र दिन बिराजे त समेक्षा अपेक्षा बेला पोसाक को, को जीव जो इमे चित्र देखाउँ यो पर्मोदन नगरु हिँड यपडा तिरि तिन धरी धरि पिढी धरी कपडा तियरी गर्छ मो पर एउटा मोपरे म परपिढीभरि भगवान्को सेवार लाग कपडा तिरि अयोध्यु क्यमेरा पर्सन सुमन्तको सह स्वप्नाञ्जली महान्त अरगस न्यूज जदि आपण को आम भिडी भल लगिला तेब चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी नहीं